सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब? होप अच्छे होगे और अगले दिन की शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा लेट था, लेट हो गया क्योंकि मैं सोचा था सनराइज़ देखूँगा सुबह उठ कर, क्योंकि बोलते यहाँ से सनराइज़ का व्यू जो है बहुत अच्छा आता है। बट कोई नहीं, थोड़ा सा लेट हो, ये आप देख सकते सनराइज हो चुके हैं और बहुत ही मस्त यहाँ का क्लाइमेट, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी, साथ में साथ यहाँ माउंटेन दो बड़े बड़े सा, और ये फॉरेस्ट है, पूरा पूरा फॉरेस्ट है। कितना लंबा इसका कोई अंत तो नहीं मेरे को दिखा था, कल 2 किलोमीटर अंदर गया था मैं, बट मेरे को एंडिंग नहीं दिखा था इसका। और ये छोटा सा गांव है, पूरा पहाड़ और जंगल के बीच में, और ये मेरे होस्ट का घर। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि जो मैं बैकपैकर्स हॉस्टल में रुका हूँ देहरादून में, उसका ब्लॉग आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कि कैसा होता है बैकपैकर्स का हॉस्टल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप में होता है और बहुत सारा फैसिलिटी के साथ में होता है ये चीज़ें। तो अगर आप लोग भी देहरादून आते हो तो एक बार ज़रूर सन एंड सॉइल बैकपैकर्स हॉस्टल ट्राई कर सकते हो और बहुत ही सुकून मिलेगा आपको। तो चलिए दिखाता हूँ। तो जोली ग्रैंड प्लेस है इस जगह का नाम, जहाँ पर ये हॉस्टल है एयरपोर्ट के नज़दीक। यह एंट्री गेट, तो यहाँ पे बहुत सारे बैकपैकर्स हैं जो बाइक से ट्रैवल करते हैं, ये इनके बाइक्स हैं जो माउंटेन हाइक करते हैं, तो इसके लिए ये बाइक्स हैं। ये भैया है, साइकिलिंग कर सकते हो, वो भी साइकिलिस्ट से होते हैं, तो लोग भी यहाँ से साइकिल आप यहाँ से रेंट पे भी ले सकते हो। चले गए इस वाले एरिया पे। डिनर लंच वगैरह रखा जाता है, यहाँ पे बैठ के सभी खाते हैं। साथ में इस जगह पे आप फार्मिंग वगैरह कर सकते हो, गार्डनिंग वगैरह कर सकते हो। अगर आपके पास खाली टाइम है, आप चाहते हो कि हम अपने आप को रिलैक्स फील करें, तो जो भी ट्रैवलर्स बैकपैकर्स होते हैं वो सभी मिलके यहाँ पे गार्डनिंग और फार्मिंग करते हैं सारा। और यही वेजिटेबल आप अपने किचन में जो खाना खाओगे वो आपको सर्व किया जाता है। साथ में यहाँ पे आपको बहुत ही मस्त इस नाले से साफ सुथरे पानी आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है, मतलब नॉर्मल लिक्विड वाटर की तरह होता है, जिसमें आप पाँव डाल के आराम से बैठ के चिल कर सकते हो, यहाँ के सुंदर फार्मिंग का नज़ारा देखते हुए अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हो। यहाँ पे आप वॉलीबॉल वगैरह और फुटबॉल खेल सकते हो, ये जाली नेट इसी के लगे हुए हैं। साथ में यहाँ पे जो बल्ब लगे हुए हैं हर जगह पे, सेंसर बल्ब है, जो आप आते हो रात में नाइट में तो वो जल के फिर जलते जब आते हो और फिर चले जाते हो, बंद हो जाता है। अभी आपको इनर का भी व्यू दिखाने जा रहा हूँ मैं। ये आपके बैठ के चाय वाय पीने के लिए, बातें करने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए होता है। इस वाले एरिया में चलते हैं अभी। यहाँ पे कैंपिंग टेंट लगा के रह सकते हैं, एक दो और एक तीन पोस्ट बना है, एक कैंपिंग टेंट लगा हुआ है। यहाँ पे बोन फायर रात के समय में जला के आप आग सेक सकते हैं, साथ में यहाँ पे भी बैठ के स्मोकिंग वगैरह करते हो आप, तो आपके लिए बना गया है ये टेंट। साथ में यहाँ पे लेटने के लिए बहुत ही अच्छा दिया गया है, जो आपको एक विलेज लाइफ का जो भी है ना वो सारा कुछ आपको फील आएंगे। यहाँ पे वाटर ऐसे ही बनाया गया है डेकोरेशन के लिए। तो
अब हम चलते हैं अपने हॉस्टल के अंदर वाले पार्क में, जहाँ पे आप देखेंगे ये जो यहाँ पे डॉगी है उसके लिए उसका घर, यहाँ पे बर्तन वगैरह। सो ये है रूम डोरमेट्री, जहाँ पे डबल बेड का आपको बेड्स मिलते हैं, चार्जिंग के लिए बल्ब मिल जाते हैं आपको। काम करने के लिए टेबल मिल जाएंगे। वॉशरूम टॉयलेट हो जाएंगे। ये है मेरा रूम जहाँ पे मैं स्टे किया हूँ, ये भी रूम बहुत ही अच्छा है। तो ये मेरा बेड था जिस पे मैं अभी, उन्होंने ब्लैंकेट भी प्रोवाइड किया है जो कि बहुत ही अच्छा मोटा है, जो ठंडा आपको बिल्कुल फील नहीं होने था। मेरा जैसे लाया था वैसे ही पड़ा हुआ। और भी सारे बैकपैकर्स हैं, सारे बाहर में अभी घूमने गए या फिर चिल मार रहे सभी बाहर में। बेड गद्दा रजाई सभी कुछ मिल जाते हैं। मेरा बैग वगैरह अपना, मैं कैमरा चार्ज में लगा दिया था, अभी मेरा मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है। साथ में इस तरह का आपको टेबल है जो बैठने के लिए है, जो मतलब चेयर बोलो आप, इसको चेयर बोल सकते हैं। तो इसका प्राइस जो है 324 रुपीज़ booking.com से मेरे को पर डे के हिसाब से पड़ा था। साथ में यहाँ पे खाने वाने का फैसिलिटी एवरीथिंग सब चीज़ अवेलेबल है, उसमें आपको अलग से चार्ज करना होता है, जो कि जेन्यून प्राइस है, ठीक ठाक प्राइस है। आप मतलब बियर्ड कट के आप दे सकते हो। साथ में ये है वेटिंग रूम है या फिर चिल मारने के लिए, जो आउटर टाइम होता है अपने यहाँ पे बैठ के इन्जॉय कर सकते हो। एक तो मस्त डेकोरेट किया गया इस रूम को। इस रूम में आपको आपके मनोरंजन से रिलेटेड सारे सामान मिल जाएंगे, जैसे कि गिटार वगैरह अगर आप बजाते हैं, गिटार यहाँ पे आप गिटार बजा सकते हो, ये गिटार रखा हुआ है। साथ में यहाँ पे आपको कैरम बोर्ड मिल जाएंगे खेलने के लिए, कैरम बोर्ड वगैरह आप खेल सकते हैं बढ़िया से, यहाँ पे सब चीज़ रहता है। तबला बजाने का आपको शौकीन है तो तबला भी व्यवस्था है, तबला बजा सकते हैं। कोई आपके गाना गाने का शौकीन है तो सब मिलावला के कंपोजिशन बना के आप इन सब चीज़ों को मज़े ले सकते हो, आप इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ में। साथ ही आपको यहाँ पे बहुत सारे बुक्स मिलेंगे जो कि लाइब्रेरी की तरह बनाया गया है, जो लाइफ मोटिवेशन से रिलेटेड बुक्स सारे रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स जो होते हैं फॉरनर्स, इंडियन, सभी के बुक्स रहते हैं, उसको पढ़ के आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, लाइफ के बारे में जान सकते हो बहुत कुछ। ये किचन एरिया है जहाँ पे खाना बनती है, बहुत ही साफ़ सुथरे और क्लीन एरिया है जहाँ पे खाना बनता है। नाइट का व्यू भी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत। सो डिनर रेडी है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा दाल बनी हुई है, साथ में मटर पनीर है और रोटी जो कि अपने खुद हाथों से बना के देती है वो, और होममेड जैसा बना रहता है, चावल चपाती बहुत ही अच्छा तरीका से मतलब सर्व किया जाता है, जो कि बहुत ही कम प्राइस में, मतलब एक आपको होममेड प्राइस में आपको सब चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अपर वाले पार्ट में जहाँ से आपको अच्छा व्यू दिखता है, पूरा गार्डनिंग का अच्छा व्यू दिख रहा है सारा। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ये रहा सेकंड फ्लोर।
इस एरिया को पेंट करने के लिए रखा गया है, जो कि पेंट होगा अच्छा दिखेंगे ये। साथ में ये रूम जो है योगा वगैरह के लिए, आपके जिम से रिलेटेड थोड़ा बहुत सामान है जो आप नॉर्मल एक्टिविटी डेली वर्कआउट का है जो वो कर सकते हो। तो पंचिंग के लिए है डंबल दिया गया है, रोलिंग बॉल दिया गया है, साथ में आप जंपिंग के लिए रस्सी दिया गया है, ग्रिपिंग के लिए, साथ में बॉल बास्केटबॉल के लिए, स्क्वैट वगैरह करते हो बैठ के तो उस चीज़ों के लिए है थोड़ा सा, और ये मैट वगैरह जो आप योगा वगैरह करोगे बैठ के उसके लिए। अभी ये और भी ज़्यादा प्रिपेयर ही हो रहा है, रूम अभी बन ही रहा है, बढ़िया से अभी डेकोरेट नहीं हुआ है, तो ये सब चीज़ें होने वाली है। साथ में इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं बाय स्टेयर। सो गाइस, जैसे कि मैं बताया था आप लोगों को कि अपने जो हॉस्टल के डीन है या फिर जो केयरटेकर है, जो ऑनर है, उन सब से मिलवाऊंगा आप लोगों को। तो हमारे साथ है अभिनव सर जो यहाँ के ऑनर है। तो हेलो अभिनव सर, कैसे हैं? दादा डोंट कॉल मी सर यार। सो हाउ इज योर जर्नी गोइंग ऑन? इट्स गुड। नाइस, वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर। सो आप सन एंड सॉइल बैकपैकर्स हॉस्टल के बारे में बताएंगे। एक्चुअली टू टेल यू ना, सन एंड सॉइल बैकपैकर्स हॉस्टल वाज नेवर सपोज्ड टू बी अ हॉस्टल, इट वाज अ स्किल एक्सचेंज सेंटर। सो हियर पीपल फ्रॉम डिफरेंट ट्रेड्स यूज्ड टू कम इन, वो लोग आते थे अपनी जो कला है उसको एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं, बैम्बू पे काम करते हैं, परमाकल्चर करते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, जो आपको आता है या जो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहते हो, कम ऑन एंड दिस प्लेस इज फॉर यू। एंड इवेंचुअली वी स्टार्टेड हैविंग पीपल टुगेदर एंड वी हैव अ नाउ फैमिली which is now you are a part of. Yeah. Right. I enjoy a lot here. So many helpful people are. Friend, I'm going to drop into Dehradun. Just do visit, you will love it. Just take it as a home. और इनके charges का क्या scene होता है, मतलब जैसे चार्जेस अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कूपन वगैरह मिल जाते हैं। हाँ, booking.com एक मैटर वगैरह पे यू कैन सर्च सन एंड सॉइल बैकपैकर्स हॉस्टल एंड इट्स अ वेरी इजी, वी आर वेरी नॉर्मल फॉर बिकॉज वी आर डिजाइन फॉर अ बैकपैकर हु इज ट्रैवलिंग इन इनटू अ बजट, सो इट्स वेरी अफोर्डेबल। तो आप लोग आ सकते हो, एक बार ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा जगह, पीसफुल प्लेस है, मतलब पूरा एक विलेज लाइफ का जो भी सारा कुछ है वो चीज़ें मिलेगा। जैसे मैं दिल्ली से आया था, दिल्ली में बहुत भाग दौड़ एकदम, मतलब ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे आके लगा कि नहीं यार, कि मतलब कुछ अलग भी दुनिया है, क्योंकि वहाँ पे पूरा बिजी लाइफ है और किसी के पास कोई सुकून नहीं है। यहाँ पे पूरा फील हुआ कि हाँ यार, मतलब विलेज लाइफ पूरा, और अपने आप को मतलब टेंशन दूर, ये सब चीज़ों से, काम थकान से दूर होके यहाँ पे आके 2-3 दिन इन्वेस्ट करो, बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ में यहाँ पे एक ये पार्क है, ये तो अमेजिंग था, मतलब कोई एंड ही नहीं लग रहा था मेरे को। राजे टाइगर रिजर्व का? हाँ, इधर राजे टाइगर रिजर्व, इट्स 800 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एंड हमारे पास से इट इज जस्ट 100 यार्ड्स अवे, यू कैन वॉक इन एक्सपीरियंस। लोकेशन, लोकेशन इसके बारे में बताएंगे। तो वी आर नियर देहरादून एयरपोर्ट and airport is like just 2 kilometers walking, 1.5 kilometers nearly, and on the other side Rajahri Tiger Reserve apne se another 5500 meters walking, jahan pe you guys can roam around, see deers, elephants and what not, peacocks and crazy amount of birds. Yes, if you are a bird lover, tada, get your cameras and come in. Okay, thank you so much. Okay dada, good luck for your journey. Okay, thank you. To agle din ki breakfast ready hai, aloo paratha. तो गाइस, फाइनली मैंने लीव कर दिया है, सन एंड सॉइल बैकपैकर्स हॉस्टल चेकआउट कर चुका हूँ और बाहर निकल गए। अब यहाँ से चलते हैं हम देहरादून, जो अपने काउ सफ़र हॉस्ट है उनके यहाँ पे, तो फिर वहाँ से आज रख के अपना सामान वगैरह थोड़ा फ्रेश होके निकलेंगे देहरादून घूमने के लिए, क्योंकि अभी तक घूमने नहीं गया हूँ, तो देहरादून घूमने जाना है, देन एक्सप्लोर करेंगे देहरादून, देन उसके बाद मसूरी जाएंगे, फिर ऐसी और भी जगह जहाँ जहाँ होगा पॉसिबल कोशिश करेंगे जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, दस्ती दानिया, ठीक है।